हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ बिग बॉस। तो यहाँ पे मनीषा नज़र आई एल्विश को अपने दिल की बातें बताते हुए और ये कहते हुए कि मैं आपसे कितना मर्तबा मजाक करती रहती हूँ और अगर इन केस आप 100 मजाक में एक बार आई लव यू टू बोल भी देते तो वो एक मजाक है। हम जानते हैं कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो है हमारी तरफ से है, बट ये सब चीज़ होने से पहले हम और आप एक बहुत अच्छे दोस्त है और हम जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड बाहर ये सारी चीज़ देख रही है तो आपके रिश्ते में गलत इंप्रेशन बन सकता है, तो मैं ऐसा नहीं। हाँ, जो मजाक करते हो और हम चाहते हैं कि घर के बाहर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे, पर अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ बोलती है कि इसे दोस्ती मत करो तो आप मुझसे दोस्ती तोड़ दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम जो ऐसे बोलते हैं कि आपका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, वो आपको छोड़ दे, हम सब मजाक से बोलते हैं, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते और वो किसी और से प्यार करते तो हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो एक लौता लड़का नहीं है। हम अकेला रहेंगे पर ऐसा हम करके किसी के साथ नहीं रहना चाहते। तो वहीं पे एल्विश का ये बोलना, हाँ ठीक है ना, अब तूने बोल दिया, बस हो गया, वो भी समझ गए, वो बच्ची थोड़ी ना है, समझ में आ जाए, तो फाइनली ये चीज सॉर्ट आउट हो गया। तो उसके बाद फिर अभिषेक मनीषा को ये समझाते हुए नजर आए कि तेरा जो था तूने बोल दिया, बट तू लोगों की बात नहीं सुनती। तो मनीषा ने बोला, हाँ यार मैं सुनती कम हूँ और बोलती ज्यादा हूँ। तो वहीं पे अभिषेक बोल रहा है, सुना कर, बातों को सुना कर, लोग क्या बोल रहे हो वो भी सुना, सिर्फ अपना बोल के सब चीज ठीक मत कर लिया कि तू बोल दी तो सॉर्टेड है, सामने वाला नहीं बोला तो सॉर्टेड। तो इन दोनों का बाउंडिंग तो मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है। और बिचारी मनीषा ने एल्विश को सारी बातें बता दी, एल्विश ठहरे हमारे सख्त लौंडे, वो तो कभी भी मनीषा की तरफ घूर के भी नहीं दिखेंगे, तो मैं 110% की श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। बट अगर आप चाहते हैं क्या कि एल्विश और मनीषा की जोड़ी बने, कमेंट डाउन करके जरूर बताएंगे। ऐसी ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक टाटा, बाय बाय।